रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप बोल न्यूज़ के साथ, मैं हूँ महक जहरा। आगाज करते हैं अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स का। मीरपुर खास से हमारे ब्यूरो चीफ शाहद मेमन की रिपोर्ट के मुताबिक कत्ल केस में नामजद मरकजी मुलजिम को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही। बाअसर मुलजिम आज़ाद घूम रहा है और कत्ल के मुकदमे से दस्तबरदार होने के लिए हमें मुख्तलिफ तरीकों से हिरासा करने समेत धमकियां दी जा रही हैं। पुलिस भारी रिश्वत के इवज़ मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर रही। इन ख्यालात का इजहार बल्दियाती इलेक्शन के दौरान गोलियों से बेदर्दी से कत्ल होने वाले मुनव्वर नोहानी के भाई नबी बख्श नोहानी, हादी बख्श नोहानी, अली मोहम्मद नोहानी और दीगर ने प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एहतजाज किया। उन्होंने मजीद कहा कि बल्दियाती इलेक्शन के बाद हमारे सियासी मुखालफीन मीर व गोर जानी के बा असर शख्स जुल्फकार अली नोहानी, हुसनैन नोहानी, आलम खान नोहानी और तीन नामालूम मुसल्ला अफराद ने फायरिंग करके बेदर्दी से मुनव्वर अली नोहानी को कत्ल कर दिया था और पुलिस ने मुकदमे में नामजद नौ मुलजिमान आलम खान और हुसनैन नोहानी को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि पुलिस कत्ल के मुकदमे में नामजद मरकजी मुलजिम जुल्फकार नोहानी को गिरफ्तार करने से गुरेजा हैं। उन्होंने इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि बा असर मुलजिम जुल्फकार अली नोहानी सरेआम घूम रहा है और हमें मुकदमे से दस्तबरदार करने वाले जान से मार देने की धमकियां देने समेत मुख्तलिफ तरीकों से हिरासा कर रहा है, जबकि पुलिस भारी रिश्वत लेकर बा असर मुलजिम को तहफ्फुज फराहम कर रही है। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ सिंध, मुहतसिब आला सिंध, वजीर आला सिंध, आई जी सिंध, डी आई जी मीरपुर खास, एस एस पी मीरपुर खास से मुतालबा किया है कि मुनव्वर नोहानी के कत्ल के मरकजी मुलजिम जुल्फकार नोहानी को फौरी गिरफ्तार करके इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। आप बोल न्यूज़ में फिल वक्त इतना ही। मजीद न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहिए आप बोल न्यूज़।